अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी, आज काफ़ी टाइम बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और ये भी छोटा सा व्लॉग है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। जैसे आप लोगों को अपडेट देनी थी कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ, यहाँ पहले बता दूँ आप लोगों को मैं नाश्ता बना रही हूँ। हस्बैंड की फरमाइश थी कि मैं नाश्ते में पराठे के साथ मैंगो खाऊंगा, तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड को पराठा बना दिया था, मैंगो कट कर दिया था, बच्चों के लिए एग्स बना लिए थे। मुझे थोड़ी सी रात को मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी, शाम में बनाई थी टमाटर की चटनी कल, तो वो थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने एग के साथ, मैंने कहा मैं वो भी खा लूँगी। सो लाइफ अभी फ़िलहाल चल रही है बिज़ी, बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स और ये एग्ज़ाम से पहले की क्लिप है। पेपर्स शुरू होने से मेरे ख्याल दो से तीन दिन पहले की क्लिप है। हमारे एसी लग रहा था, इंस्टॉलेशन होनी थी, सर्विस होनी थी क्योंकि पुराने घर से जब उतरा था तो उसके बाद यहाँ पर अभी सेट नहीं हुआ था। सो यहाँ पर एसी की सर्विस चल रही है और अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये कुछ प्लांटेशन की है। हम लोगों ने जो सब वेजिटेबल्स वगैरह लगाई हैं पॉट्स में, इसमें हरी मिर्चें हैं, प्याज हैं, बड़ी हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं। सो यहाँ पे हमने ना कार्डबोर्ड पर लिख लिख के लगाया है क्योंकि बीज जब लगवाए थे हम लोगों ने उससे गार्डनर से, तो हमने कहा यहाँ पे हम कुछ मार्किंग कर लेते ताकि हमें आइडिया हो कि क्या कहाँ पर किस पोर्शन में क्या चीज़ है, अगर कभी कोई भूल जाए तो याद रहे, इसलिए कार्डबोर्ड पर लिख के ना हमने वहाँ वॉल पर ना पेस्ट कर दिया था कार्डबोर्ड, ताकि हमें आइडिया रहे कौन सी चीज़ कहाँ है। और बच्चों के मैंने आपको जैसे बताया कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ये इनके स्कूल में जो एग्जामिनेशन के टाइम पे कुछ डेकोरेशन वगैरह थी उसकी क्लिप्स हैं। फिर उनके एग्जामिनेशन में गैप आए थे बीच में, आपका सैटरडे संडे को छुट्टी का जैसा होता गैप होते हैं, दो दिन का गैप था, तो फिर उसको हम छत पे ले गए थे बच्चों को, वहाँ पर कि वहाँ की क्लिप्स हैं। ये हमारे पड़ोस में माशाल्लाह माशाल्लाह मैंगो का जो ट्री है, इतना फल है माशाल्लाह, इस पर पता नहीं क्यों नहीं उतारते ये लोग, मतलब यार देख के हैरानी होती है कि लोगों को इतने मैंगो लगे हुए हैं और वो उतार नहीं रहे हैं। हम जैसे हों तो हम तो मतलब छोड़े ना कुछ भी। खैर उसका शायद मे भी वो कच्चे होंगे अभी, लेकिन वो फुल ग्रीन हुए हैं, लटक रहे हैं पूरे, पता नहीं फिर भी कोई उनको आइडिया होगा किस तरह उतारने। सो ये हमारी छत का व्यू है, बच्चे खेल रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, मैं बहुत बिज़ी थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ क्योंकि कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया। जो लोग चंद लोग मुझे जो देखते हैं वो इंस्टा पर, मुझे दो तीन लोगों के मैसेजेस आए थे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों को छोटा सा व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। कुछ ये क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की थी लेकिन इतना बड़ा व्लॉग नहीं था कि मैं इसको अपलोड कर पाती हर रोज़ या कुछ कुछ दिनों बाद। ये जो क्लिप्स हैं ना ये काफ़ी गैप से बनी हुई हैं, यहाँ पर जो बनी थी कुछ पेपर से पहले की हैं, कुछ एग्ज़ाम्स के बीच की हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये है कोकोनट ट्री, उस पर देखिए आप इतना फल लगा हुआ है, इस पर माशाल्लाह इतने कोकोनट्स लगे हुए, इतने प्यारे लग रहे थे, वो भी पानी से भरपूर भरपूर फुल। और यहाँ से मैं आपको अपने घर से मस्जिद दिखाती हूँ, ये रही मस्जिद, हमारे घर के बिल्कुल गली के कॉर्नर के पास मस्जिद है। और हमारे स्कूल के बाहर अभी जो है वो हमारे घर के बाहर जो है वो स्कूल है, एक सामने बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्कूल के सामने एक स्कूल है, घर के सामने स्कूल है। अल्लाह मैं क्या बोली जा रही हूँ, कुछ भी नहीं, इतने टाइम बाद बोल रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रही हूँ। खैर यहाँ पर ये बोर्ड वगैरह लग रहा था। सो जी ये थी मैं बिज़ी, इंशाल्लाह मैं जल्द आप लोगों से हाजिर होंगी क्योंकि बच्चों का रह गया बस एक पेपर, फ्राइडे को पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह बिग व्लॉग अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।